एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सिर्फ एक पेंटर की नजर से देखती थी, क्योंकि उसने मोनालिसा और लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स बनाई थी। पर लियोनार्डो द विंची कभी भी एक पेंटर नहीं थे, क्योंकि वो थे एक एनाटॉमिस्ट जिन्होंने इंसानों की पूरी बॉडी ड्रॉ करके उस पर रिसर्च करी थी। वो थे एक आर्किटेक्ट जिन्होंने बड़े बड़े शहर और बिल्डिंग्स डिजाइन करी थी। वो थे एक एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने दुनिया का पहला टेलीस्कोप का मॉडल ड्रॉ किया था। वो थे एक कार्टोग्राफर जिन्होंने दुनिया के शुरुआती दौर के मैप्स बनाए थे। वो थे एक इंजीनियर जिन्होंने एक से बढ़कर एक मशीन्स और स्ट्रक्चर डिजाइन किए थे। वो थे एक म्यूजिशियन जिन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए थे। और वो थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने कई और इन्वेंशन और रिसर्च करी थी, वो भी इतना सब कुछ 500 साल पहले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द ट्रू स्टोरी ऑफ लियोनार्डो द विंची। इस कहानी की शुरुआत होती है 1452 में इटली के एक छोटे से विलेज विंची में, जब लियोनार्डो नाम का एक छोटा बच्चा पैदा होता है। पर लियोनार्डो को कभी भी अपने फादर का सरनेम नहीं मिलता, क्योंकि उनके फादर सर पीरो काफी अमीर घराने के थे और उनकी मदर एक निचले तबके की एक गरीब लड़की थी। और क्योंकि लियोनार्डो के फादर और उनकी मदर की कभी शादी नहीं हुई थी, इसी वजह से वो उस टाइम के कानून के हिसाब से एक इलेजिटिमेट औलाद थे। इसी वजह से उनका सरनेम द विंची उन्हें उनके गांव की वजह से मिला था। और क्योंकि उनकी परवरिश अपनी माँ के साथ हुई थी, इसलिए लियोनार्डो कभी भी स्कूल नहीं गए। पर बचपन से ही लियोनार्डो की ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छी थी। लेकिन साल 1464 के आसपास लियोनार्डो अपने विलेज से फ्लोरेंस शिफ्ट हो गए अपने फादर के पास, जहाँ जाकर उनका इंटरेस्ट ड्रॉइंग की तरफ बढ़ने लगा। और जब लियोनार्डो द विंची के फादर ने उनके आर्ट वर्क को देखा, तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर लियोनार्डो के आर्ट वर्क को एंड्रा डेल वेराचियो नाम के आर्टिस्ट की वर्कशॉप पर ले गए। और जिसके बाद लियोनार्डो द विंची ने एंड्रिया डेल वेराचियो स्टूडियो में इंटर्नशिप करना शुरू किया, फ्रांस के बड़े बड़े दिग्गज पेंटर और आर्टिस्ट के बीच, जहां पर उन्होंने पेंटिंग, मॉडलिंग और केमिकल का इस्तेमाल सीखा पेंटिंग करने के लिए। अपनी इंटर्नशिप के दौरान ही लियोनार्डो द विंची ने वेराचियो के साथ मिलकर द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट नाम की पेंटिंग बनाई, जिसमें ज्यादातर पेंटिंग का हिस्सा तो वेराचियो ने ही बनाया था, पर लेफ्ट साइड में बना ये एंजल लियोनार्डो ने अपने हाथ से ही बनाया था। और काफी पेंटिंग के एक्सपर्ट के हिसाब से लियोनार्डो के हाथों से बना ये एंजल पूरी पेंटिंग में सबसे ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद जाकर साल 1472 में लियोनार्डो ने खुद से अपनी पहली पेंटिंग एनुसिएशन बनाई, जिसको कंप्लीट करने में लियोनार्डो को 3 साल का टाइम लगा था। जी हाँ, 3 साल का टाइम एक पेंटिंग कंप्लीट करने में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लियोनार्डो सिर्फ पेंटर ही नहीं थे, क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में लियोनार्डो ने सिर्फ 24 पेंटिंग ही बनाई थी, जिसमें से कई पेंटिंग तो इनकम्प्लीट थी। लेकिन हाँ, लियोनार्डो ने नोटबुक लिखने में जरूर महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि भले ही एक पेंटर के नाम से मशहूर होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 24 पेंटिंग बनाई हो, लेकिन अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने 13,000 से भी ज्यादा पेजेस अपनी नोटबुक के भरे थे, जिसमें से उनकी नोटबुक्स के 7,000 पेजेस आज भी मौजूद हैं, जो कि पूरी उनकी रिसर्च और इन्वेंशन से भरे हुए हैं। एक और बड़ी अजीबो गरीब चीज है लियोनार्डो द विंची की नोटबुक की, वो है पूरी नोटबुक ही एक्चुअली में मिरर स्क्रिप्ट में, यानी उल्टी लिखी हुई है। यानी कि कोई आम शख्स अगर उनकी नोटबुक को देखेगा तो उसको सिर्फ यही लगेगा कि कुछ अजीबो गरीब कोड्स लिखे हैं, पर अगर उनकी नोटबुक के पेजेस को मिरर के आगे रखें तो ही जाकर उसको कोई इजीली पढ़ पाएगा। और आज के काफी रिसर्चर्स का ये मानना है कि लियोनार्डो ने अपनी बुक को इस तरह उल्टा इसलिए लिखा था ताकि वो अपनी रिसर्च को सीक्रेट रख सकें। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि लियोनार्डो द विंची की नोटबुक उनकी पेंटिंग से कम कीमती है, बल्कि साल 1994 में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने $30 मिलियन देकर कोडेक्स लेसेस्टर को खरीदा था, और वो भी कोडेक्स लेसेस्टर नाम की इस नोटबुक में। लियोनार्डो द विंची के लिखे गए सिर्फ 36 पेजेस ही थे। इन्हीं नोटबुक में से एक में लियोनार्डो द विंची ने साल 1485 में एक पिरामिड शेप का डिजाइन बनाया था, जिसके नीचे एक इंसान लटका हुआ था। रिसर्चर्स के हिसाब से ये डिजाइन एक्चुअली में दुनिया के पहले पैराशूट का एक आइडिया था। लेकिन कुछ साल बाद जब पुराने रिसर्चर्स ने इस लियोनार्डो द विंची के हाथों से बनाए गए पैराशूट के डिजाइन को देखा, तो उस टाइम पर ये माना कि ये डिजाइन बिल्कुल एक फेलियर है और ये डिजाइन कभी भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक शख्स ने सबको गलत साबित कर दिया, जब वो एक हॉट एयर बलून से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई से कूदा, वो भी सेम डिजाइन के बने पैराशूट से,
जो लियोनार्डो दा विंची ने अपनी ड्राइंग में बनाया था, और वो भी उन मटेरियल का इस्तेमाल करके जो सिर्फ लेट 15 सेंचुरी में मौजूद थे। इसी टाइम पीरियड के दौरान लियोनार्डो दा विंची ने अपनी नोटबुक में कई एक से बढ़कर एक मशीन्स के डिजाइन ड्रॉ किए, जिसमें से एक फेमस ड्रॉइंग थी एरियल स्क्रू, जो कि काफी रिसर्चर के हिसाब से एक इंस्पिरेशन है आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर की। यानी कि 5000 साल पहले ये आदमी सिर्फ अपनी नोटबुक नहीं भर रहा था, बल्कि वो हमें फ्यूचर की झलक भी 500 साल पहले ही दे रहा था। साल 1487 के करीब लियोनार्डो दा विंची ने एक आर्मर्ड व्हीकल का डिजाइन बनाया था, जिसकी इंस्पिरेशन लियोनार्डो ने टर्टल की शेल से ली थी, और लियोनार्डो दा विंची के डिजाइन करे इस व्हीकल में एक तोप भी होने वाली थी। काफी रिसर्चर्स का ये मानना है कि लियोनार्डो 1400 के टाइम पर एक्चुअली में एक आर्मी टैंक बनाना चाहते थे। साल 1488 के आसपास लियोनार्डो दा विंची ने अपनी रिसर्च को इंसानों पर करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने खुद से ही कितनी डेड बॉडीज पर रिसर्च करी और एक एक बॉडी पार्ट बिल्कुल हूबहू अपनी नोटबुक में ड्रॉ किया था। वो भी 500 साल पहले लियोनार्डो वो पहले इंसान थे जिसने ये खोज निकाला था कि ह्यूमन हार्ट एक्चुअली में परफॉर्म कैसे करता है। और काफी सालों तक मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी लियोनार्डो की बनाई हुई इन्हीं ड्रॉइंग से अपनी क्लासेस में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाने में इस्तेमाल करी थी। लियोनार्डो दा विंची उस टाइम पर वो चीजें सोच रहे थे जो आज के टाइम के इंसानों के लिए भी सोचना काफी मुश्किल है। साल 1490 के आसपास लियोनार्डो ने अपनी सबसे फेमस स्केच द विट्रूवियन मैन पब्लिक के सामने पेश करी। ये स्केच एक्चुअली में लियोनार्डो की सबसे फेमस स्केचेस में से एक थी। इस स्केच में लियोनार्डो ने एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करी है, वो भी एक स्क्वायर और सर्किल के अंदर, जिसमें से उसकी नाभि सर्किल के एकदम बीच में है और उस आदमी के प्राइवेट पार्ट स्क्वायर शेप के बिल्कुल बीच में बने हैं। और ये ड्राइंग लियोनार्डो दा विंची ने इंसान और यूनिवर्स के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई थी। और काफी लोगों के हिसाब से इस पोर्ट्रेट में लियोनार्डो दा विंची ने खुद को ही ड्रॉ किया था। इसके बाद साल 1498 में लियोनार्डो ने अपनी फेमस पेंटिंग में से एक द लास्ट सपर बनाई। इस पेंटिंग की इंस्पिरेशन लियोनार्डो ने बाइबल से ली थी, जिसमें जीसस के आखिरी डिनर के बारे में दिखाया गया है। लेकिन आज जो हम लास्ट सपर पेंटिंग देखते हैं, वो एक्चुअली में 100% लियोनार्डो के हाथों से नहीं बनी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेंटा मारिया डेल ग्राजिया, जहां पर ये पेंटिंग मौजूद है, उसकी छत पर बॉम्ब गिर गया था। इसी वजह से इस पेंटिंग का कुछ हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद काफी स्किल्ड आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को दोबारा से रिस्टोर किया। साल 1503 में जाकर लियोनार्डो ने अपनी सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग मोनालिसा पर काम करना शुरू किया, और इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन फिर भी ये पेंटिंग कभी कंप्लीट ही नहीं हुई। मोनालिसा पेंटिंग में दर्शाई गई लेडी एक्चुअली में लीजा डेल जोकांडो थी, जो कि एक इटालियन नोबल वुमन और वाइफ थी इटली के एक सिल्क मर्चेंट की। और इस पेंटिंग की खूबी ये है कि आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि ये पेंटिंग आप ही को घूर रही है। ऐसा नहीं था कि इस पेंटिंग से और भी बेहतर पेंटिंग इतिहास में बनी नहीं, लेकिन कोई भी पेंटिंग मोना लीजा जितनी फेमस नहीं हुई। लेकिन इस पेंटिंग के फेमस होने के पीछे ये कहानी थी कि साल 1911 में मोना लीजा की ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, और ये पेंटिंग 2 सालों तक गायब रही। इसी वजह से उस टाइम के न्यूज़पेपर्स ने कई आर्टिकल प्रिंट किए थे इस पेंटिंग के गायब होने के, जिसके बाद कई लोगों पे इस पेंटिंग चुराने का आरोप लगा था, जिसमें से फेमस पेंटर पैब्लो पिकासो भी शामिल थे। लेकिन 2 साल बाद पेरोगियो नाम के एक इंसान, जो कि इस पेंटिंग को बेचते हुए पकड़े गए, तब जाकर ये पेंटिंग गैलरी में वापस आ पाई। एक और बड़ी अजीबोगरीब मिस्ट्री मशहूर है लियोनार्डो दा विंची की इस मोनालिसा पेंटिंग को लेकर। वो ये है कि लियोनार्डो दा विंची को अपनी ही असिस्टेंट मोन सलाई से प्यार हो गया था, और मोन सलाई एक्चुअली में कोई वुमेन नहीं थी, बल्कि जैम जैको नाम के एक लड़का था। पर क्योंकि लियोनार्डो दा विंची गे थे, इसलिए उन्होंने जैम का नाम मोन सलाई रख दिया था, क्योंकि वो हमेशा उसे एक लड़की की नजर से देखते थे, और मोन सलाई ही मोनालिसा की असली इंस्पिरेशन थी। जिसके बाद जाकर 2 मई साल 1519 को 67 साल की उम्र में लियोनार्डो दा विंची जैसे महान इंसान की मौत हो गई। लियोनार्डो दा विंची पूरे इतिहास में एक ऐसे इंसान थे जो भले ही 1400 के पीरियड में मौजूद थे, पर उनकी पेंटिंग्स, आर्टवर्क और रिसर्च हजारों साल आगे चल रहे थे। उनकी कितनी रिसर्च तो ऐसी थी जो आज मॉडर्न साइंस ने जाकर प्रूफ करी है। लेकिन फिर भी इतनी रिसर्च के बावजूद भी लियोनार्डो दा विंची ने अपनी ये नोटबुक पब्लिकली कभी लॉन्च ही नहीं करी। तो आप क्या कहना चाहते हैं लियोनार्डो दा विंची के बारे में? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।